गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू? आप ठीक ही होंगे और तैयारी आप ठीक से बिहार बोर्ड का कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। कुछ बच्चे को मैंने देखा कि वो अब वृत्त और घन घनाभ का पूरे हिसाब बना ले रहे हैं, मैथ्स बना ले रहे हैं। और ये जान लीजिए कि तैयारी करना है तो एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन एकदम बना डालिए और अभ्यास करिए, तो अन्य किताब से भी कर सकते हैं, जो किताब आपके पास है उससे कर सकते हैं, लेकिन इसका टोटल बना लेना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप या तो भारतीय भवन बनाइए, स्टूडेंट फ्रेंड बनाइए, जिससे बनाइए, मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर बनाइए क्योंकि इसी से सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं। और हाँ, बनाने के पहले, मैथ बनाने बैठने के पहले, बनाने के लिए बैठने के पहले क्या करिएगा, फार्मूला एकदम याद कर लीजिए। तो क्या रेडी हैं? आपका घन घनाभ बेलन शंकु गोला का सारे फार्मूला आपको दिमाग में एकदम है? तो है तो ठीक है, रेडी हो जाइए। और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज नंबर आपका जो था कितना, 13.2, एक्सरसाइज 13.2 याद रखिएगा, 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। पहले क्वेश्चन कहता है, पहले बच्चों कि एक जार है, तो जार में क्या किया गया कि गुलाब जामुन भर दिया गया। ये बर्तन देख रहे हैं ना, एक नाम में गुलाब जामुन भरा गया, ठीक है। तो गुलाब जामुन जो भरा गया और इसमें रस है, गुलाब जामुन खाए होंगे, रस में डुबल रहता है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन में उसमें बर्तन में 45 गुलाब जामुन है। कितना गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। तो कहता है कि जितने गुलाब जामुन का आयतन होता है उसका 30% उसमें चाशनी रहता है। कितना परसेंट चाशनी रहता है? 30%। तो चाशनी का मात्रा बताएं कि उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें पहले एक गुलाब जामुन जो है उसके बारे में देख लीजिए। आपका किताब में कहता है कि पूरे लंबा 5 सेंटीमीटर के गुलाब जामुन, पूरे लंबा कितना, 5 सेंटीमीटर के, लेकिन उसका व्यास 2.8 है। तो त्रिज्या गुलाब जामुन की कितना हो जाएगा? गुलाब जामुन का त्रिज्या हो जाएगा 1.4, उसका आधा 2.8 का आधा है ना। अब ये जो बेलनाकार भाग हो गया, तो इधर प्यारे बच्चों 2.8 और 2.4, इधर 1.4, क्योंकि त्रिज्या आपका 1.4 हुआ और इधर 1.4 घट जाएगा, तो घट जाएगा। तो ये बेलनाकार जो भाग बचा, देख रहे नहीं बेलनाकार भाग, तो इस बेलनाकार भाग का लंबाई कितना रहा? 2.2 सेंटीमीटर। ये कौन भाग का? ये जो बेलनाकार भाग देख रहे हैं उसका। तो बेलनाकार भाग का लंबाई आपने लिखा कितना? 2.2। कैसे हुआ समझ गए आप? इधर से 1.4 घट गया, इधर से 1.4 घट गया, तो 2.4 घट गया, तो 5 में से 2.8 घटा दिए, तो कितना हो गया? 2.2 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए जो प्रश्न है, एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा? तो इसमें क्या चीज है? दो अर्धगोला, दोनों तरफ अर्धगोला लगल है, तो दो अर्धगोला का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन पढ़ने के लिए 2/3, और दो गो है अर्धगोला, कितने हैं? दो अर्धगोला है, तो 2 × 2/3 पाई आर क्यू है ना, प्लस बेलन का क्या, पाई आर स्क्वायर एच।
इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिए अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक में से कॉमन ले लिए तो कितना बचा, फोर आर केवल बच गया, और एक में से पाई आर स्क्वायर ले लिए तो केवल एच बच गया। अब वैल्यू दे दिए, पाई का मान 22/7, आर 1.4 स्क्वायर था और 4/3 इंटू आर का मान 1.4 प्लस एच कितना है, लंबाई आपको मालूम है इसका कितना था 2.2। अब क्या किया गया, इसको एलसीएम लेकर के गुना कर दिए, कितना 2.2 में 3 से 6.6 और जो कितना 14×56 5.6 है ना। अब इसको आपने क्या किया, यही चीज फिर यहाँ पर उतार दिया और इसको जोड़ करके 12.2/3 इसको आप डिवाइड कर दिए 0.2 से, 7 काटे तो 7×14 होता है, 0.2 हो जाएगा। और इसको सबको मल्टीपल किया, 22, 0.2, 1.4 और 12.2 है ना, ये तो कट गया था ना, बटा थ्री इतना सेंटीमीटर क्यों क्या हो गया, एक गुलाब जामुन। तो कै गुलाब जामुन है प्यारे बच्चों, आप गुलाब जामुन कितना 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे ना 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो कितना करेंगे 7, ये जो आया था इतना 75.152/3×45, ये का इतना तो 45 का इतना जो आ जाएगा गुना करने के बाद उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन अब गुलाब जामुन के शॉर्ट में हम बना रहे हैं, गुलाब जामुन के में क्या चीज का, चीनी का चाशनी का था, कितना चाशनी लगेगा, तो उसका 30% है, 30% मने गुलाब जामुन जो देखे थे 17.152×15 का कितना परसेंट, 30% के मतलब कितना, 30/100, 100 से 100 काट दिया गया, गुना करने के बाद आ गया 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। इतना हो गया क्या चीज, गुलाब जामुन में चाशनी जो है उसका आयतन। प्यारे बच्चों समझ में आ गया, गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन हम लोग निकाल लिए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, ठीक से पढ़िए प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पेन स्टैंड बनाया गया, तो पेन स्टैंड में इसको खोसने के लिए 4 गो ऐसे शंक्वाकार बनाया गया, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे इसमें भी इस तरह से कर दिया गया, इसमें भी इस तरह से गड्ढा कर दिया गया, ताकि पेन चारों पेन ऐसे ऐसे खोसा जा सके। तो कहता है कि जब किया गया लकड़ी के जो बना था खोसने के लिए बना दिया गया, तो ये तो काट करके ये वाला भाग शंक्वाकार निकाल दिया गया चार को, तो कहता है कि इसका आयतन निकाले, बचे जो लकड़ी जो बच गया उसका आयतन निकाले, बहुत ही जी। तो पेन स्टैंड जो है उसका आयतन, तो ये पेन स्टैंड कैसा है, घनाभाकार है, तो घनाभ के आयतन क्या पड़ा है, L×B×H, तो लंबाई कितना है, लंबाई 15 है, याद रखिएगा लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है मेरे बच्चों सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, और मोटाई कितना है, मोटाई था 3.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दिए, गुना कर दिए गए तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन क्यूब में होता है ना। तो ए तो अब तो ये जान गया, लेकिन चार गो जो ऐसा शंक्वाकार खोद करके निकाला गया लकड़ी उसका आयतन तो निकाल देंगे चार गो के ना, तो ये जो है त्रिज्या कितना है 0.5 है और ऊंचाई कितना है, कितना गड्ढा किया गया 1.5 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का आयतन बराबर देखिए उधर कर दिए। अब चार शंक्वाकार पेन स्टैंड है ना गड्ढे का आयतन, तो क्या आप शंकु का आयतन पढ़े थे 1/3πr³, 4 से गुना कर दिए, क्यों 4 से इसीलिए गुना कर दिया क्योंकि 4 वो है,
तो क्या चार गुने वन बाई थ्री पाई के मान 22/7 त्रिज्या 0.4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और गड्ढा कितना किया गया 1.4 इसको काट दिया गया 0.2 से मल्टीपल करने के बाद 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब आया चारों का। तो प्यारे बच्चों इजी है कि पेन स्टैंड में लगे लकड़ी का आयतन कितना होगा। तो पूरे पेन स्टैंड जो घनाभाकार गुटका जो हुआ उसमें से जो काट करके निकाला गया चारों का उसका आयतन घटा देंगे, चारों का घटा देंगे तो वही पहले बचे लकड़ी के आयतन बचेगा। सोचिए, सोच रहे हैं क्या मैंने कहा? एक जो आप आयताकार घनाभाकार जो आप लकड़ी का गुटका लिए थे पेन स्टैंड बनाने के लिए तो उसका आयतन निकाल करके और चार को जो पेन खोसने के लिए इस तरह के जो बनाए उसका आप जो बनाने के लिए जो गड्ढा किए तो चारों का आयतन घटा दीजिए जो लकड़ी निकला गड्ढा करने के बाद तो उसका घटा देते हैं। तो देखिए घटा दिए कितना उसका था चारों का 4.4 सेंटीमीटर क्यूब 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें 3 से गुना किया इसमें 3 से माने कितना में 525 में 3 से मल्टीपल हो गया तो कितना 1575 माइनस 4.4 तो इसमें से सेपरेट किया गया था कितना हो गया 1570.6 आया है ना, कितना 1570.6। अब इसमें 3 से भाग दे दिया गया तो कितना आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। स्पष्ट है ना कितना इजी है। अब प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, कहता है कि एक शंकु है। बढ़िया से पहले क्वेश्चन पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन पहले ठीक ढंग से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, अब अगर क्वेश्चन अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में चलाएगा। क्वेश्चन कहता है, फिर मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को, एक शंकुआकार बर्तन है जो उल्टा रखा हुआ है ना ऐसे, और इस बर्तन को क्या किया गया कि इस बर्तन को पानी से भर दिया गया और इसमें अच्छा इस शंकुआकार का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर का शंकुआकार बर्तन, कितना त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर का शंकुआकार बर्तन है। अच्छा इसमें शीशे के गोली डाला गया ऐसा जिसका त्रिज्या कितना है, गोली जो शीशा का डाला गया उसका त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसमें कितना गोली डाला जाए इस तरह के माने इसी प्रकार से कितना गोली डाला जाए अगर हम पूरा डाला गया तो कितना गोली डाला जाए कि इसका 1/4 भाग बह जाता है, 1/4 भाग बह जाता है पानी गिर जाता है बाहर निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों पहले एक काम करिए कि शंकुआकार बर्तन में रखे पानी का आयतन पहले निकाल दीजिए, पूरा लबालब जो भरा हुआ है तो पानी का आयतन बराबर तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई का मान जो कहते हैं वैसे छोड़ दिए और इसको कितना कर देंगे आर 5 के स्क्वायर है ना आर स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर कर दिए इंटू 8 अच्छा मल्टीपल करने पर 200π/3 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब एक वो शीशे का गोली का आयतन निकालिए, एक शीशे का गोली का आयतन कितना हो गया तो आयतन एक गोलाकार है तो गोला का आयतन क्या पढ़ते हैं 4/3π r³ तो 4/3π और त्रिज्या कितना है 0.5 के क्यू कर दिए आर क्यू होता है तो मल्टीपल करने पर आ गया 0.500/3 इट मीन्स 0.5π/3 क्यू सेंटीमीटर क्यू हो गया ना पॉइंट कितना 5π/3 सेंटीमीटर क्यू। अब समझ लीजिए पानी कितना बहा माने गोली जितना पानी बहेगा समझ सकते हैं, सोचिए पहले किसी बाल्टी में अगर ईंटा डालते हैं तो उतने पानी बाहर निकलेगा जितना उस ईंटा का आयतन होगा।
ठीक है, अब देखे होंगे। उसी तरह से बाल्टी में गोली अगर डालते हैं, डालते चल जाते हैं तो उतने गोली बाहर उतने पानी बाहर निकलेगा जितना गोली की आयतन हो गया। डाले गए गोली का आयतन बराबर बाहर निकले गए या बाहर गिरे गए पानी का आयतन सेम होगा। वही चीज को मैंने यहां लिखा हुआ, गोलियों का आयतन बराबर बाहर गिरे पानी का आयतन। तो कितना पानी गिर गया, 1/4 भाग, तो पूरे पानी कितना था, 200π/3 निकाले थे ना पानी का आयतन, कहां निकाले थे ये देखिए, तो 200π/3 का 1/4, क्योंकि 1/4 कह रहा है कि बह गया, तो इसको 50 × 200 होता है, तो 200π यहाँ हो गया काट दिए, तो 50π/3 इतना गोली का आयतन होगा, इतने गोली का आयतन होगा, जो गोली जितने गोली डाला गया उतने पानी बाहर निकला, तो बाहर निकले पानी का आयतन बराबर डाले गए गोली का आयतन, तो गोली जो डाले गए वो टोटल गोली का आयतन इतना हुआ, कितना, 50π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब गोलियों की संख्या, तो टोटल आयतन में से एक गोली के आयतन से भाग दे, है ना, टोटल कितना, 50π/3, अब बटा एक गोली का 0.5π/3 भाग दे दिया गया, तो भाग लौट के गुना, 50π/3 गुने तीन ऊपर चल गया और 0.5π नीचे आ गया, तो इसको दशमलव को हटा रहे हैं, देखिए नीचे दशमलव था एक अंक के बाद, तो ऊपर 10 कर दिए और इसको काट दिए 10 से, 10 × 50 होता रहे 10 से, तो ददाह को 100 गोली, कितना आंसर आया, 100 गोली, गोलियों की संख्या बराबर 100, अंडरस्टैंड, आसान है ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, जो आप पर मैंने छोड़ दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लोहा का इस तरह से खंभा है, 220 मीटर लंबा खंभा है लोहा, जिसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसके ऊपर एक और खंभा लगा दिया गया जिसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो टोटल खंभे का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए। तो पहले गोल ये खंभा का आयतन, लोहे का खंभा का आयतन निकालिए, तो दो तरह का बेलन है, एक नीचे बेलनाकार भाग है, एक ऊपर बेलनाकार भाग, तो इसका आयतन निकालने के लिए दोनों बेलनाकार भाग का आयतन को जोड़ रहे हैं, तो क्या चीज, π r² h, माने 12 त्रिज्या वाले तो r² और h कितना 200, है ना। फिर क्या मैंने किया, अब प्लस ऊपर वाला π r² माने 8 त्रिज्या है, तो r² × h 60, तो ए इसको निकाल के पाई का मान 3.14 दे दीजिएगा, तो आपकी किताब में कह रहा है, और इसमें भी दे कर करके और निकाल दीजिए कि आयतन कितना है, निकाल दीजिएगा ना आयतन कितना सेंटीमीटर क्यूब है, तब गोले के खंभे का द्रव्यमान निकालना है, दोनों जोड़ने के बाद गोले के खंभे के द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालने के लिए जितना आयतन आएगा, जितना उसका आयतन आएगा उतना में 8 बटा 1000 से भाग दे देंगे, क्यों 8 ग्राम का रहता है 1000, क्योंकि ये बटा में, क्योंकि किलोग्राम में बदले, एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, इसीलिए मैंने इतना से कर दिया, और जो आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप टोटल बनाने का प्रयास करिए, और यदि टोटल बना लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आपको 100 में 100 आएगा, कोई नहीं काट सकता है। थैंक यू।